अंबिकापुर का नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां आम जनों के लिए कई सुविधाएं तो निरंतर बढ़ी, लेकिन सुविधा के साथ साथ वहां पर कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगते रहे। यह अलग बात है कि न तो सत्ता रहते कांग्रेस ने इस ओर कोई ध्यान दिया और न ही आज भाजपा सरकार इन भ्रष्टाचारों पर कोई कार्यवाही का मन बना रही है, अथवा लग रहे आरोपों को गलत बताने किसी तरह का कोई जांच करवा रही है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में निर्माण कार्य से लेकर स्टाफ की पदस्थापना, खरीदी, जांच सहित कई ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इन आरोपों की वास्तविकता क्या है इस पर सफाई देने की फुर्सत न तो स्वास्थ्य विभाग को है और न ही सरकार में बैठे लोग इस ओर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आते। ताजा मामला लगातार सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न वेब पोर्टलों में खबर बनी हुई है कि नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित शीशम एवं नीलगिरी के पेड़ों को बिना एसडीएम, तहसीलदार अथवा वन विभाग की अनुमति के कटवा कर बेच दिया गया है। जब इस मामले पर लगातार हो हल्ला होना शुरू हुआ तो इस वन विभाग ने पूरे मामले में अपनी संलिप्तता प्रकट की है। अब वो वन विभाग है जहां भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है, जहां पर कैसे पेड़ बचाए जाते हैं और कैसे काटे जाते हैं और कैसे रातों रात जंगलों से पेड़ों की तस्करी हो जाती है, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा के मामले में वन विभाग की संलिप्तता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे ने कई दस्तावेज निकाले हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन ने वन विभाग को परिसर में स्थित पेड़ को कटवाने हेतु पत्र लिखा। इसके बाद वन विभाग निचले स्तर के अधिकारियों ने पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी वन मंडल अधिकारी को दे दी। वन मंडल अधिकारी ने निचले स्तर के अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया कि नियमानुसार कार्यवाही करें। अब नियम के अनुसार यदि कार्यवाही होती तो ये कि या तो वन विभाग द्वारा पेड़ों को कटाने हेतु बकायदे पेड़ों की नपाई कर नियमानुसार पत्र जारी किया जाता और फिर इसकी कटाई कराई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी ने सीधे एक पत्र जारी किया एक वन ठेकेदार को और कहा कि नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने कुछ पेड़ काटा है, उसे आप वहां से उठवा लीजिए और जो आपको वाजिब दाम लगे उसे भुगतान कर दीजिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार पेड़ को काटने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। यदि कोई प्रक्रिया अपनाई भी गई तो फिर पेड़ को काटे जाने के बाद उसे विक्रय हेतु वन विभाग उसका दाम निर्धारित करेगा जो वन विभाग के नियम में होगा, अथवा कोई भी 100-200 वाजिब दाम बताकर उसे कटे हुए पेड़ को ले जाएगा। वन विभाग की पहली चूक तो यही प्रमाणित होती है कि उन्होंने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिसमें वन परिक्षेत्राधिकारी को पूजा के पूरे वन मंडल के ऐसे अधिकारी शासन द्वारा मिले हुए हैं जिससे वे जैसा चाहें स्वविवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं और पत्र जारी कर सकते हैं। इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे ने जब वन परिक्षेत्र अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वन विभाग पेड़ों की कटाई के लिए कोई अनुमति नहीं देगी, एसडीएम व तहसीलदार से अनुमति मिलेगी, लेकिन एसडीएम और तहसीलदार से मिली अनुमति दिखाने को कोई तैयार नहीं है। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, जिसमें वन परिक्षेत्राधिकारी ने यह कहा है कि यह राजस्व की जमीन पर स्थित पेड़ है जिसके कटाई की अनुमति एसडीएम अथवा तहसीलदार के यहाँ से मिलेगी। हम वही अनुमति ढूंढ रहे हैं जो कहीं मिल ही नहीं रहा है, जबकि वन विभाग ने पेड़ काटा है, इन्होंने स्वयं अपने पत्र में लिखा है, तो उनके पास पेड़ों की कटाई की अनुमति भी होनी चाहिए, जिसे वे ना तो दिखा रहे हैं और ना ही बता रहे हैं कि उन्हें यह अनुमति कब मिली। इतना ही नहीं, इस मामले में कई तरह के गंभीर चूक हुई है जिसे लेकर सभी ने चुप्पी साध ली है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जब शासकीय परिसर में स्थित पेड़ों को अधिकारी यूं अपनी मनमर्जी से जब चाहे कटवा डालते हैं, जबकि एक आम आदमी अपने खेतों में घरों में स्थित पेड़ों को कटवाने की अनुमति के लिए राजस्व एवं वन विभाग को चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिलती और जब बिना अनुमति के काटता है तो यही वन विभाग कार्यवाही के नाम पर वसूली करने या धमकता है। इस पूरे मामले में अभय नारायण पांडे ने क्या कहा, सुनिए। मामला है नवापारा का और
जहाँ वृक्षों की कटाई की गई है थोक में, एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की बात को लेकर सभी नेता अधिकारी चिंतित होते हैं, सभी विभाग चिंतित होते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग। वन विभाग तो बोलता है वन है तो जीवन है, और वन विभाग का मुख्य भूमिका इसमें है, जो छः विशाल काय हरे वृक्षों की कटाई कर उसको बेच दिया गया है, या कहिए तस्करी कर लिया गया, डकैती कर लिया गया। क्योंकि जब मैं बात पूछा स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य विभाग सही उत्तर नहीं दिया, ये बोला कि वन विभाग यहाँ की पेड़ों की कटाई किया है। और जब हम रेंजर से बात की अंबिकापुर, रेंजर का कहना था कि मेरा एसडीएम से अनुमति प्राप्त था, एसडीएम का अप्रूवल के अनुसार हमने सिर्फ लेबर उपलब्ध कराया है, मुझे लकड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और शायद नीलगिरी के पेड़ों की कटाई की गई है और नीलगिरी सड़ जाता है इसलिए हम लोग उसे नहीं लाए। मैं इसमें डीएफओ कार्यालय तक की संलिप्तता उजागर होना मेरे दस्तावेज में पाया गया है, क्योंकि रेंजर 3 मई 2024 को मुझे फोन पर बात कर रहा है कि नहीं, मुझे राजस्व विभाग वो भी एसडीएम की अनुमति मिली थी, और जो दस्तावेज मुझे प्राप्त हुए उसमें वन मंडलाधिकारी का दस्तावेज है कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के आवेदन के अनुसार पेड़ों की कटाई छटाई और नियमानुसार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यानी लिखित रूप में किसी ने अनुमति नहीं दिया है, न कलेक्टर दिए हैं, न ही एसडीएम कार्यालय से मिला है, न ही वन विभाग के डीएफओ ने दिया है, किसी ने नहीं दिया, तो पेड़ की कटाई कैसे हुई? और कटाई होने के बाद पेड़ों की वो विशाल काय 6 वृक्षों की कटाई के बाद उसका एक भी लकड़ी कहीं भी नहीं मिला। लकड़ियों के बारे में इसी रेंजर का एक लेटर है, वो आश्चर्यजनक लेटर है, शायद वैसा अनुमति आज तक किसी ने जारी नहीं किया होगा, और वन मंत्री या सीसीएफ भी वैसा लेटर जारी नहीं करेंगे। वो पत्र लिखा हुआ है किसी लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, बनारस रोड अंबिकापुर, लकड़ी परिवहन की अनुमति बावक लिखा हुआ है। उसके आगे लिखते हैं कि हमारे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शीशम एवं नीलगिरी की पेड़ों की कटाई की गई है, आप उसका परिवहन करें तथा उचित दर पर क्रय कर उसकी कीमत जो है शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खाते में जमा करें। अब ये बताइए, इतने बड़े राजा महाराजा जैसा उनका आदेश था, पहले के महाराजा लोग बोलते थे कि मैं अनुमति देता हूँ, जो मर्जी हो उठा के ले जाओ, ये रेंजर यहाँ का ऐसा अनुमति दिए हैं कि अपने मन से तुम पेड़ उठा के ले जाओ, मैं अनुमति दे रहा हूँ, और उचित दर जो भी लगेगा उसे दे देना। तो सोचिए कि ये तो एक नमूना है जो बड़ा मुश्किल से मिल गया। एक झारखंड बिहार में कहावत कहते हैं कि सिधनी चाल चलता है और बुआरी पकड़े जाते हैं, तो नवापारा से शुरू हुआ था, लेकिन वन विभाग की संलिप्तता पूरी तरह इसमें उजागर हो गई है कि वन विभाग कितने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं और ऐसे कितने वृक्षों की कटाई की जा रही होगी। बहरहाल हो सकता है कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में स्थित इन पेड़ों से अस्पताल परिसर में कभी कोई गंभीर हादसा घटित हो जाता अथवा बिजली के तारों को छूने से गंभीर परिस्थितियां निर्मित हो जाती, ऐसे में इनका काटा जाना बेहद जरूरी एवं अति आवश्यक था। किंतु सवाल यह है कि एक शासन के विभाग को जब नियम प्रक्रियाओं के दायरे में जाकर कार्य करने में, पेड़ों को कटवाने में इतनी समस्या हो रही है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रख पेड़ों को कटवाना उचित समझा, तो सवाल यह है कि जरा सोचिए, एक आम व्यक्ति जो अपने घर व खेतों में लगवाए पेड़ों को काटने के लिए राजस्व एवं वन विभाग को चक्कर लगाता है, तब उस पर क्या गुजरती होगी? क्या सिस्टम ऐसे ही काम करती है, या फिर नियमों को शिथिल करना चाहिए? यह सवाल हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जब हम जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन की बात करते हैं, तो फिर जनता के लिए ही कानून को इतना उलझा क्यों दिया जाता है? वह इसके दायरे में आने से ही बचने लगता है। जब एक प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।